बेबी फ्री हो गए तुम? यस जस्ट अभी। तो तुम एक सेकंड कैमरा पकड़ोगे? ये क्या हुआ? एक सेकंड कैमरा पकड़ो ना। क्या हुआ भाई, ये तो शैतानी स्माइल लग रही है। अरे 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 आई भाई है ना, कौन करके? कुछ तो गेम किया है इसने, नाइट सूट खरीद लाई अपने लिए पक्का 110%। बेबी आंखें बंद करो। मैं आंखें बंद करूं? हाँ, अच्छा खोले रखो। 1 2 3 गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह का दिन है और बज रहे हैं 11:30, ऑलमोस्ट 11:30 बजने वाले हैं और अविनाश तैयार हो रहा है। तैयार होता है तो आपको मिलवाती हूँ। मैं तैयार हो चुकी हूँ। ये रही मेरी चिट्ठी, ये रही मेरी चुंदर सी बेबी, मेरा चुंदर चुंदर बेबी। ये वैसा मेरा कोको जिसने खाना पूरा नहीं खाया, अभी खिलाऊंगी इसको। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं इतनी एक्सरसाइज कर रही हूँ ना कि मेरी हालत नेक्स्ट डे इतनी खराब हो जाती है। मतलब इतना पैरों में दर्द है, इतना पैरों में दर्द है। रात रहा स्ट्रेचिंग ज्यादा कर लेती हूँ। कमर मेरी चली गई, देखती हूँ अविनाश अगर उठ गया तो, मतलब उठ गया मतलब नहा लिया तो। उठ तो वो सुबह चुका है, मैं नहीं उठती हूँ। आ गए क्या बेबी? नहीं बाथरूम में ही है, आता है तो मिलवाती हूँ। अरे बेबी गुड मॉर्निंग तो बोल दो, लोग तड़प रहे हैं तुम्हारा गुड मॉर्निंग सुनने के लिए। मैं दिख रहा हूँ तो बोल दूंगा। दिख रहा हूँ मैं? हाँ दिख रहे हो, आओ बैठो। हाय गाइस गुड मॉर्निंग। और मुझे अभी पता चला है कि मेरे पास घर में एक ऊद है जो मैंने कल लगाया था और मुझे बहुत मजा आया था। आज भी मैं एक ऊद लगा रहा हूँ और ऊद बिलाव बनने जा रहा हूँ। बेबी कमाल का है पता है? आई नो, पकड़ लेना जरा, शीशी गिर गई ना तो। अरे यार तुम ना, बस ये एक बूंद जिंदगी की, इस तरह लगाना भी मत। वो देखो क्या है, ये कहीं से भी आती है बेबी। इसने तो बिल्कुल राजमिस्त्री बना दिया मुझे। ईंट उठाओ ईंट नीचे रखो, ईंट उठाओ ईंट नीचे रखो। अरे यार बहुत ज्यादा तेज खुशबू है बेबी इसकी। बेबी इधर आओ, तुम्हें एक चीज दिखाऊं। क्या? अब ये देखो इधर से आ गई है। आ जा भाई, आ तू इधर, साथ में आओ, तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज दिखाऊंगी और लोगों को भी दिखाऊंगी। जैसे मैं कल कुछ ढूंढ रही थी, ड्रॉर्स वगैरह क्लीन कर रही थी अपने सारे, और उसमें पता मुझे क्या मिला? क्या? अरे ये तो एंगेजमेंट की रिंग है, हमारी एंगेजमेंट की रिंग जो हमने बिना बताए की थी। हाँ हमने किसी को बताया नहीं था और ये रिंग अविनाश ने मुझे दी थी तब। कौन सी वाली बता दो, एक पुखराज है येलो कलर का, वो नहीं, ये नहीं, ये बीच वाली, बीच वाला। लेकिन ये मैं पहनती क्यों नहीं थी, मतलब जब मैं इस फिंगर में डालती हूँ तो ये बड़ी है बहुत, तो ये निकल जाती थी, तो इसलिए शायद मैंने पहनना बंद किया था। अब मैं सोच रही हूँ मैं इस रिंग में डाल दूँ, रिंग इस रिंग में डाल, मतलब इस फिंगर में डाल दूँ। इस रिंग के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हैं हमारी, मतलब इसके बाद कभी मुझे इसने कुछ लेके नहीं दिया, कुछ नहीं लेके दिया। इसके पहले बहुत कुछ लेके दिया था, इसके बाद भी बहुत कुछ लेके दिया। अब जिसको रिंग ही चाहिए तो फिर क्या करे ना। तो मैं पहनती नहीं, मैं आप लोगों ने देखा मैं कुछ पहनती नहीं हूँ, मैं तो रिंग्स की शौकीन हूँ बस। ये देख लो, एक मेरी अपनी है ये रिंग, ये अविनाश ने दिलवाई थी। कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास अब। अरे वाह तोता, आज तो और तोता लग रही हो। अच्छी लग रही, अब तो और भी तोता हो गई हो। सुबह सुबह नींद में बोलती हो ना जब तोते की तरह। हाँ तुम बता रहे हो लोगों को मैंने क्या बोला था। तो नींद में सुबह 6 या 7 बजे ना समाना कुछ ना कुछ बोलती है, तो मैंने उसका नाम तोता रख दिया। तोते घर में सुबह सुबह बोलते है ना, तो एक दिन नींद में कहती यू हैव हेयर सीरम, आई हैव ओनली $105 एंड आई एम इन पेरिस। बेबी तुम नींद में बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती हो। तो ये सुबह उठ के कभी हेयर सीरम मांगती है, कभी नींद में बिस्किट मांगती है, कभी कहती है, कभी कहती है बंदूक है क्या, 6 गोली वाली है। और पता नहीं क्या 6 गोली वाली, ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तो इसलिए मैंने इसका नाम तोता रख दिया। सुबह तोते की तरह, तोते घर में बोलते हैं आ मम्मी आजा आजा गुड मॉर्निंग, झूठ बोल रहे हैं। मैंने कभी ये मैंने थाईलैंड की तरह बोला है क्या, गुड मॉर्निंग स्वादिकम। तो जी मैं आपको बता दूं कि मैं वापस आ गई हूं, एक्चुअली गई हुई थी और मैं बिना बताए गई थी आप लोगों को, क्योंकि ये बात मैंने अविनाश को भी नहीं बताई थी। मैंने इसको बोला कि अब तुम बिजी हो तो मैं थोड़ा सा काम करके आती हूं, उसको पता नहीं है अंदर इंटरव्यू में बिजी है, अभी फ्री होता है तो मैं उसको बताऊंगी कि मैं उसके लिए शॉपिंग करके आई हूं, कपड़े खरीद के लाई हूं अविनाश के लिए, एंड ही इज गोइंग टू लव इट। आज मैंने कहा आज शॉपिंग सिर्फ अविनाश के लिए होगी। ये देखो पूरे कपड़े मैं ले आई हूँ, एक्चुअली तभी खोलती हूँ अविनाश के सामने, तभी आपको दिखाती हूँ। अभी मैं थोड़ा सा आराम से बैठ के अपनी चाय वाय पी लूँ क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ और इसको बिल्कुल पता नहीं है कि मैं क्या करके आई हूँ। बेबी फ्री हो गए तुम? यस जस्ट अभी। तो तुम एक सेकंड कैमरा पकड़ोगे? ये क्या हुआ, एक सेकंड कैमरा पकड़ो ना। क्या हुआ भाई, ये तो शैतानी स्माइल लग रही है। अरे 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 आई भाई है ना, कौन करके? कुछ तो गेम किया है इसने, नाइट सूट खरीद लाई अपने लिए पक्का 110%। बेबी आंखें बंद करो। मैं आंखें बंद करूं? हाँ, अच्छा खोले रखो। 1 2 3 बेबी इतने सारे कपड़े, बेबी इतने सारे कपड़े क्यों खरीदे तुमने? तुमने मेरे बहुत इल्जाम लगाए, एक मिनट
ये तो लड़कों के कपड़े हैं। तो बेबी तुम्हारे लिए लाई हूँ मैं, वही तो कह रही हूँ। बेबी मेरे को लगा ये लड़की इतनी शॉपिंग करके आ गई अपने लिए फिर से और इतनी खुश है। मैंने अपने लिए ले लिया। बेबी मेरा एक भी नहीं है, वो भी एक्साइटेड है तुम्हारे कपड़े देख के। चल तू कपड़ों के ऊपर। वो तो किसी भी चीज के लिए एक्साइटेड है ना। तो दिखाऊं मैं भी तुम्हें एक एक करके, ये कैसी है। सही है, लेकिन एक बात बताओ तुम्हें मेरे साइज का कैसे पता चला, क्योंकि इसमें मुझे ट्रैक पैंट्स वगैरह भी दिख रहे हैं। फालतू मत बोलो, तुम्हारा साइज मुझे पता है, और जहाँ शॉप से लेती हो तो वो उनको पता ही है तुम्हारा साइज। अब तो मैं और लीन हो गया हूँ। हाँ हाँ, तो मेरे को पता ही है ना बेबी। ये देखो ये मेरी साइज थोड़ी है, तुम्हारी साइज ही है। ये है ट्रैवल के टाइम तुम ये भी पहन सकते हो, और कच्चा भी पहन सकते हो। ये नाइट सूट के लिए भी पहन सकते हो तुम। बेबी ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया पता है। मतलब पहन के देखते हैं ठीक है, बाकी चीज देखते हैं। तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। अब पता नहीं पहन के देखेंगे ना, अब मैं ऐसा पहनता नहीं हूँ ना, लेकिन बाकी सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। नहीं नहीं वो पहनता हूँ, अभी पहन के दिखाता हूँ तुम्हें। ये टी-शर्ट है। टी-शर्ट तो बहुत अच्छी है। ये भी तुम कहते हो ना मेरे लिए कोई शॉपिंग नहीं करता, कुछ नहीं करता, मेरे पास टाइम नहीं है। एक तो मैं करके लाई हूँ तुम्हारे लिए इतना कुछ, ये देखो। मेरे पास भी बिल्कुल चेक शर्ट नहीं थी पता है। अच्छा लगा? बहुत ही अच्छा। मेरे को पता है एक साल से टाइम नहीं मिला कपड़े खरीदने का। अभी अच्छा लगा? अच्छा लगा। तुम तो बिल्कुल मेरे को शर्ट नहीं खरीदने देती हो, आज खुद मेरे लिए शर्ट खरीद के लाई हो। नहीं ये तो अच्छी मेरी फेवरेट शर्ट है यार, ये तो मैं खुद भी पहन सकती हूँ ना, इसलिए लाई हो। नहीं मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ। नहीं 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 समझ गया मैं भाई, ये तुम्हारे नाप की है। ये तो 2-in-1 गेम कर रही हो तुम, बेकार की बातें मत करो। ये एक और है ऐसा तुम्हारे लिए। बहुत स्मार्ट है यार ये तो, लूज वाला तो मुझे बहुत अच्छा लगा है ना, तुम्हें हाँ। अच्छा लगता है ना। और एक ही ऐसे ही जिपर, तुमने तो मेरे एक साल का पूरा कोटा पूरा कर दिया, ये किस चीज का पश्चाताप करके आई हो, ये तो कोई प्राश्चित में जली हो लग रहा है तुम। लुट गए, हाँ लुट गए। बेबी ये तो तुम्हें अब तुम्हें चाहिए भी था ना। ये बहुत स्मार्ट टी शर्ट है ब्लैक वाली। ये देखो ये तो तुम्हें ये लव है। ये तो मैं अभी पहनूंगा दिखाना। अच्छा लगा पकड़ना। मतलब तुम्हें बाकी चीजें नहीं अच्छी लगी? नहीं बाकी लगी, लेकिन ये तो एकदम उठने का मन कर गया आलसी इंसान का ना। मेरी बेबी खुद पहनाऊंगी, रुको। अच्छा पहनाओगी भी आज खुद ही? अरे गजब पश्चाताप की आग में जली है औरत। छोटा है क्या? नहीं नहीं बेबी, कैसे छोटा आएगा, देखो पकड़ो। यार छोटा ना हो जाए भाई, बिल्कुल फिट है। मतलब यार ये टाइट तो नहीं है, ये बंद करो। इसका पैटर्न भी बहुत अलग है पता है, इसमें डबल जिप है। नहीं सही है। कैसा लग रहा है भाई? बेबी कितना अच्छा लग रहा है यार ये तुम पे। हाँ ये बहुत अच्छा लग रहा है बेबी। थैंक यू बेबी। उसकी चिड़ देख लो ना, इसमें भी जल रही है, जलन की आग में तप रही है। हो गया। अब बेबी तुमसे एक बात कहूँ? हाँ। मैं एक बार वो ट्राई कर लेता हूँ जो तुम लाई, जो सबसे पहले तुमने दिखाया था ना, कैचेस नाइट सूट टाइप जो तुम कह रही हो। हाँ पहले वो ट्राई करके देखता हूँ, मुझे थोड़ा सा डर है। ठीक है फिर चाय पियेंगे, जल्दी ट्राई करो, क्योंकि वो वापस करना भी पड़ सकता है तुम्हें। बेबी अच्छा लगेगा, तुम कुछ डिफरेंट पहनो तो सही, कोशिश तो करो। जब तुम कोशिश ही नहीं करते हो तो कोशिश करने वाले की तो हार नहीं होती। दीदी चाय रख दो। वही रो चेंज कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ये चेंज कर रहा है यहाँ पे, आ जाओ। बेबी ये तो ऐसा लग रहा है मैं अब, हो बेबी कितना स्मार्ट लग रहा है ये, ऐसा लग रहा है मैं अभी गोवा निकल रहा हूँ बाइक पे पता है। नहीं इट इज वेरी नाइस बेबी, इट इज वेरी नाइस। तुम इसको खुला भी रख सकते हो अंदर टी शर्ट पहन के, और ऐसा भी पहन सकते हो, और इसको पहन के सो भी सकते हैं। सही बोल रहे हो, आप सो भी सकते हो, आप ट्रैवल भी कर सकते हो। अब बेबी ऐसी चीजें लाया करो ना मेरे को, मैं तभी ट्राई कर पाऊंगा ना, मेरे अंदर खुद हिम्मत नहीं होती ना ट्राई करने की। अच्छा। तुम लाओगी नहीं तो कैसे ट्राई करूंगा। मेरा बेबी कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं ये उतारूंगा नहीं, मैं ये पहन के रखूंगा आज। नहीं नहीं अभी नहीं पहनना। अच्छा तो कच्चा तो पहन के रखूं? मतलब ये नीचे का? नहीं नहीं चेंज करो, चेंज करके आओ अभी, चेंज करके आ जाओ, बाहर आ जाओ, मैं चाय के लिए वेट कर रही हूँ। चल चिट्टी पापा को चेंज करने दे, हम बाहर वेट करेंगे। आ जा चिट्टी, भाग भाग, आ जा आ जा आ जा चिट्टी, भाग चिट्टी, भाग 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 चिट्टी, भाग चिट्टी, आ जा आ जा आ जा, जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, चाय के लिए पापा की वेट करेंगे, पापा की वेट करेंगे, चाय पियेंगे साथ में। हो गई एक्सरसाइज? एक्सरसाइज हो गई, नहा ली मैं, और मुझे थोड़ा सामान लेने के लिए नीचे जाना है, जिसके लिए तुम भी मेरे साथ आ रही हो। ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। पता लग गई ना, अब सारी चीजें तुम्हें ब्लॉग में पता लगेंगी। चलो क्या सामान क्या पहले मुझे बताना पड़ेगा? बेबी जरूरत का सामान ही लेना होता है, ऐसा तो नहीं लेना कुछ भी। चलो फिर
तो हम लोग एकदम निकलने ही वाले थे कि चेरी पीछे से बॉल लेके आ गई कि मुझे लग रहा है मेरे को लेके जा रहे हैं। नहीं, मेरा बच्चा, मेरी बेटी कैसे आई है, आए मेरी बॉल लेके आई है कि चलो नीचे चलते हैं। बेटी मामा आ रही है, अभी आएगी ना, फिर घूमी घूमी कराने नीचे लेके जाएगी। हाई मेरा दिल पसीज जाता है बेबी, ये देख के वो देखो रो रही है। चेरू अभी आ रहे हैं, थोड़ी देर आ रहे हैं, अभी आएंगे फिर नीचे जाएंगे, घूमी घूमी कर रहे हैं। क्या करूं, नीचे आते वो अपनी बॉल, हम आ रहे हैं। बेबी ये धोखा लगता है यार, ये तो धोखा लगता है ना उसके साथ। वो देखो बेटू आ रहे हैं, सामान लेके फटक से आ रहे हैं और फिर चलते हैं, ठीक है। दीदी बंद करो दरवाजा, ये नहीं होता। कैसे पीछे बॉल लेके आई ना, उसको लगा बिल्कुल ही, मतलब ऐसा लग रहा होगा उसको स्वार्थी माँ है। तो गलत क्या लग रहा है, स्वार्थी नहीं हूँ बेबी, सामान लेने जा रही हूँ ना घर का। बाप स्वार्थी है, माँ तो रोज नीचे लेके जाती है। सारा बिल बाप पे फाड़ दो बस। आज कोई बोलना नहीं मुझे, बाप बाप नहीं, मैंने कहा आज कोई बोलना नहीं मुझे, तुम्हारे शॉपिंग करी है। तो दोस्तों सामान वामान हमने खरीद लिया है, अब बारी एकदम सोने की, रात के बज चुके हैं 9:45। मैं जा रही हूँ सोने, मैं अब इस आदमी ने मेरे को इतना सा भी तंग किया ना, सीधा ये मारूंगी आज। मेरे लिए शॉपिंग करके मैं देख रहा हूँ, मुझे तुम बहुत ज्यादा मारने पीटने की बात कर रही हो। तुम भी तो तंग कितना करते हो, खून पी जाते हो यार मेरा। इसके बदले अब तुम क्या लोगी ये मेरे को बता दो, क्योंकि ये ट्रैप मेरी समझ में आ चुका है। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तुमसे क्या चाहिए, मेरे को तो बस तुम्हारा प्यार चाहिए। चलो मिलते हैं दोस्तों आप लोगों को। लेकिन मिलने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात दोस्तों, जब तक ये ब्लॉग आपके पास आएगा तब तक फिल्म मेरी रिक्शा वाला रिलीज हो चुकी होगी बिग बैंग पर, तो आप लोग जरूर डाउनलोड करके देख लीजिएगा। सिर्फ 11 रुपए साल का सब्सक्रिप्शन है, और देख के मुझे जरूर बताइएगा आपको फिल्म कैसी लगी। आप कुछ कहना चाहेंगी? इस फिल्म के बारे में मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, राम कमल मुखर्जी को बहुत बहुत हार्दिक कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड द एंटायर फिल्म ऑफ रिक्शा वाला, एंटायर फिल्म ऑफ रिक्शा वाला, एंटायर टीम ऑफ रिक्शा वाला। एंड ये फिल्म आ रही है बिग बैंग पे, तो आप लोग जरूर देखिए, मेरे बेबी की परफॉर्मेंस बताइए। एंड यो, आई विल सी यू टुमारो। और नेक्स्ट व्लॉग में आपके लिए होने जा रहा है एक सरप्राइज। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल व्हिच इज संभावना सेठ एंटरटेनमेंट। हैंगर लेके क्यों बात कर रही हो तुम तब से? मैं तो रखने गई थी। मैं कह रहा हूँ पता नहीं क्या हैंगर से कर रही है तब से। ज्यादा मत बोलना।